टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा बाईपास पर। आपको बता दें मुंब्रा बाईपास जो है हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। खास तौर पर आपको बता दें मुंब्रा बाईपास पर आप रेती बंदर की तरफ से जब चढ़ेंगे, जो इसकी शुरुआत होती है वो इसी ब्रिज से होती है। इसी ब्रिज से जो है तमाम जो है मालवाहक गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां से गुजरती है। लेकिन इसकी हालात जो हो गई है वो हम आपको दिखाते हैं कि आज रात में करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास में ये देखें, इस ब्रिज में जो है ये होल हो गया है, सुरंग हो गया है। इसमें सीधा ज़मीन का नज़ारा यहाँ से आपको दिखेगा। हालांकि इस काम ब्रिज के काम को लेकर यहाँ पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्यों, क्योंकि 3 से 4 महीने जो है काम के लिए इस ब्रिज इस मुंब्रा बाईपास के मरम्मत के लिए इस बाईपास को बंद भी किया गया था और इसका काम भी किया गया था। लेकिन काम किस तरह से किया गया था, बिल्कुल ही घटिया काम किया गया था, थुकपट्टी वाला काम किया गया था। उसका नज़ारा, उसका नतीजा आप देखेंगे ये है किस तरह से यहाँ पर ये आज ये बाईपास पर जो है एक गड्ढा हो गया है। इसी तरह के मुंब्रा बाईपास पर आपको आगे की तरफ भी गड्ढे मिलेंगे। जो लोहे के छड़ है इसमें वो बाहर आ गए हैं और आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड ने भी यहाँ का दौरा किया। उन्होंने भी साफ लफ्जों में कहा कि इसको बनाने में काफ़ी जो है भ्रष्टाचार हुआ है। जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसमें वो घटिया क्वालिटी का मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से मुंब्रा बाईपास का जो लाल किला का एरिया है वहाँ पर भी ज़मीन थोड़ी सी धस गई है, क्योंकि वहाँ से नाला जो है बना हुआ है, उस नाले के ऊपर जो है ज़मीन धसी है और नाले के साइड में भी काफ़ी दरार पड़ गया है। वहाँ की भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। यानी एक बार फिर ऐसा अब हो गया है कि मुंब्रा बाईपास को अब बिना बंद किए इसका काम नहीं किया जा सकता है। और आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज ने यहाँ का दौरा किया। उन्होंने तमाम अधिकारियों से इस लेकर जो है बातचीत की, वीडियो कॉल करके भी अधिकारियों को दिखाया है। उसके बाद क्या कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा है, सुनिए। इसकी तुरंत इंक्वायरी करनी चाहिए जी, और इसके ऊपर जिन ऑफिसरों ने काम पे ध्यान देने का उनका जिनका काम था उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि काम एकदम थर्ड ग्रेड हुआ जी। बिल्कुल दुरुस्त कहा सर आपने। पैसा लाने का काम हमारा है जी, जी हमारा वही कहना है सर, लेकिन वो काम कैसा होता है वो देखने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, डिपार्टमेंट की है। सर आपने अभी यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के वरिष्ठ स्तर पर हाईएस्ट लेवल तक आपने बातचीत की है, वीडियो कॉल पे आपने यहाँ पर जो है घटनास्थल उनको दिखाया है, पूरी स्थिति दिखाई है, क्या आगे के दिशा निर्देश है आपके उनको सर, और किस तरीके से काम जल्द से जल्द हो सकता है? कल 12 बजे मैंने सबको बुलाया है जी, जगह पे आके वो इसका जायजा लेंगे जी। मुझे लगता है कि ये रोड बंद कर देना चाहिए जी, और फिर से एक बार नया रोड करना चाहिए। और ये जो पतरा है वो जो नीचे, तो मैंने देख बार बार बोल रहा हूँ कि वो रबर कोटिंग कह रहे हैं उसे, हाँ वो जो भी क्या कह रहे हैं छुपाने के लिए मुझे मालूम नहीं जी, लेकिन आई बीम के सिवाय ये रुक ही नहीं सकता जी, क्योंकि यहाँ से आपको मालूम है 100 ट्रक तो जाती आती रहती है जी जी जी, तो यानी 100 ट्रक यानी 10 टन की अगर एक ट्रक देखे तो 1000 टन का माल जाता है जी, तो 1000 टन का स्ट्रेस लेने के लिए उतनी सी पट्टी कहाँ आएगी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। आपने इंक्वायरी होनी चाहिए कही ये बात, मैं उसको दोहराऊंगा, मुंब्रा कौसा और यहाँ से गुजरने वाले तमाम राज्य के जो जितने भी ट्रक चालक है उनकी तरफ से ये हमारी आपसे विनती रहेगी, अनुरोध रहेगा सर, ये इंक्वायरी होनी ही चाहिए, क्योंकि इस काम में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, निकृष्ट दर्जे की एकदम सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है सर। आपने बोलने से पहले इनकी उनकी बातें सुन के नहीं, मैं जब आया तभी बोला कि पहले इसकी जाँच होनी चाहिए।